नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। सोमवार को बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन नए विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ। राज्यपाल फागू चौहान का पत्र पढ़कर जीतन राम मांझी को प्रोटेम स्पीकर घोषित किया गया। एक तरफ जहां AIMIM पार्टी के विधायक ने शपथ के दौरान हिंदुस्तान की जगह भारत बोलकर संबोधन किया, वहीं कांग्रेस के एक विधायक ने संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण किया। इसके बाद नव निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन अधिकांश विधायकों ने हिंदी में शपथ ली तो कई विधायकों ने अपने क्षेत्रीय भाषा मैथिली में शपथ ली। वहीं दो विधायकों ने इंग्लिश में शपथ ली, जबकि कदमा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने शकील अहमद खान ने संस्कृत में शपथ लेकर सबको चौंका दिया। शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संस्कृत भाषा हिंदुस्तान की क्लासिक भाषा है और अगर जाहिलों को समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं। मैं अपने मातृभाषा उर्दू का भी सईदाई हूं, लेकिन मैंने क्लासिक भाषा में शपथ लेने की सोची। इसमें कोई हाय तौबा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। शकील अहमद खान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत में शपथ लेकर कुछ अलग करना चाहता था। कांग्रेस विधायक ने यह भी कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पता चले कि भारत अनेकता में एकता दर्शाता है। मैं भाजपा और AIMIM को यह मैसेज देना चाहता था कि हमारी संस्कृति बेहद सुंदर और संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की माँ है। साल 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में जब शकील अहमद खान शामिल हुए थे तब उनके कांग्रेस छोड़ने की चर्चा भी तेज हो गई थी। बताया जाता है कि शकील अहमद खान का जन्म कटिहार के काबर कोठी गाँव में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई गाँव में करने के बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने JNU से आगे की डिग्री ली थी। 55 वर्ष के शकील अहमद खान राजनीति के साथ साथ कृषि में भी रुचि रखते हैं। जिस सीट से उन्होंने चुनाव जीता यह सीट बिहार के कटिहार जिला के अंतर्गत आता है। शकील अहमद खान साल 2015 के चुनाव में भी कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार थे और उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की थी। इस बार के चुनाव में उन्होंने लोजपा के उम्मीदवार चंद्रभूषण ठाकुर को 32,402 वोटों से हराया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शकील अहमद खान ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत छात्र नेता के रूप में की थी। शकील अहमद JNU छात्र संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 1999 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो AICC के सचिव पद पर भी रहे। बहरहाल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र 23 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक बुलाया गया है, जिसमें पहले दो दिन विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव जीतकर आए विधायकों को शपथ दिलाए जाने का कार्यक्रम होना था। वहीं 26 नवंबर को राज्यपाल फागू चौहान द्वारा विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।